हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित। मेरे चैनल चिपस्टिक पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं एक रिंग लाइट। तो फ्रेंड्स, ये रिंग लाइट आपको अंधेरे में भी बहुत खूबसूरत बना देगा। और इसका जो शेप है मैंने काफ़ी छोटा रखा है ताकि हम इसे बैक कैमरे के साथ साथ सेल्फी कैमरे के साथ भी यूज़ कर सके। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं इसे बनाने के लिए मुझे खर्च हुआ है सिर्फ 20 रुपये। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कैसे इतना कम खर्च में मैंने इसे बनाया है। तो फ्रेंड्स, चलिए टाइम वेस्ट करे बिना वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए आपको चाहिए होगा ऐसा एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा, और लेना है ऐसा एक ट्रांसपेरेंट टेप, ये 10 रुपये वाला लेना है आपको, हाफ इंच वाला। तो फ्रेंड्स, इसकी मदद से हम इसका जो चारों तरफ से इसे मार्क कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैं इसके ऊपर मार्क कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसके ऊपर मार्क कर दिया है। और अब छोटा वाला जो ट्रांसपेरेंट टेप आते हैं, तो फ्रेंड्स 5 रुपये में आपको बाजार से आसानी से मिल जाएगा, 5 या 3 रुपये में। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर से हम इसे मार्क कर देंगे। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से मार्क कर दिया हमने। तो फ्रेंड्स, अब हम इसे काट लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसे काटने के लिए मैं यहाँ पर कैंची यूज़ कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने वीडियो को काफ़ी फास्ट कर दिया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं इसका जवाब जल्दी दे देता हूँ। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको कट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, हमने तो बाहर का लेयर तो कट कर लिया, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर कैंची की मदद से हम इसका अंदर का पार्ट काट नहीं सकते, इसलिए मैं यहाँ पर चाकू को यूज़ कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से काटना पड़ रहा है हमें। तो फ्रेंड्स, अगर आप छोटे हो तो इसका ध्यान से यूज़ किया करो, बड़ा का सहायता ले सकते हो आप यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैं इसे कट दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसे कट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अब हम जो ट्रांसपेरेंट टेप है उसके ऊपर ये जो चकमका वाला जो टेप आते हैं इसे चढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं इसे अंदर की तरफ इसे चपकाएंगे। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पर, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसके जो चारों तरफ हम इसे चरा देंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो चराने का मतलब आपको वीडियो में आगे आगे पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसके ऊपर पूरा का पूरा चरा दिया है, अब इसे कट कर लूँगा। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं मैंने इसे चरा दिया है, पूरा का पूरा चराना हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, हमारा जो कार्डबोर्ड पहले से कट कर रखा था उसके ऊपर हमारा जो ट्रांसपेरेंट टेप है इसे चिपका देंगे ग्लू की मदद से, कुछ इस तरीके से चिपकाएंगे हम। तो फ्रेंड्स, इसे चिपकाने के लिए मैं यहाँ पर ग्लू यूज़ कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं वाटर ग्लू यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि आपको पता है कि ये भी एक कार्डबोर्ड का ही है, ट्रांसपेरेंट टेप का जो बोर्ड है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये जो ग्लू है ये चिपकने में बहुत सारा वक्त ले सकता है, यानी 2 घंटे तक लग सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर एक बार चिपक जाएगा तो ये बिल्कुल नहीं छूटेगा। तो फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंट टेप की मदद से हम यहाँ पर मार्क किया था, लेकिन फ्रेंड्स ट्रांसपेरेंट टेप की जगह हम यहाँ पर जो चकमका वाला टेप आते हैं उसे ही यूज़ कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पर मैं वो वाटर ग्लू यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर चिपकेगा नहीं, प्लास्टिक है ये। यहाँ पर मैं फेविकॉल यूज़ कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छी तरह यहाँ पर चिपक जाएगा। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर बैठा दिया हूँ। तो फ्रेंड्स, आप ये जो देख रहे हैं शाइन कर रहा है, यहाँ पर चकमका रहा है, ये आपको किसी भी लेज वगैरह जो खाते हो उसके अंदर में आपको शायद दिख रहा होगा, दिखा होगा आपने। तो फ्रेंड्स, किसी भी बिस्किट की पैकेट हो जाए, किसी भी जो पैकेट होते हैं खाने का चीज़ें उसके अंदर में ये चीज़ें आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, फ्री में मिल जाएगा, इसका कोई प्राइस नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो दिख रहा है ये एक इंसुलेटर पेपर है, आपको किसी भी फैन रिपेयर के शॉप पे ये मिल जाएगा बहुत आसानी से, 10 या 15 रुपये में, बहुत लंबा देगा, 1 मीटर से भी ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पर मैंने हमारा जो लाइट है इसे तैयार करके पहले से ही रखा था, हर 4 लाइट के प्लस के साथ प्लस और माइनस के साथ माइनस हमने जोड़ कर रखा है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पर, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें एक होल कर लेना है। तो फ्रेंड्स, क्यों करना है आपको वीडियो में आगे आगे पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक टेस्टर यूज़ कर रहा हूँ, यानी स्क्रू ड्राइवर होते हैं, इसी की मदद से यहाँ पर एक होल कर दिया है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आपको लेना है एक USB। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पर, तो फ्रेंड्स USB केबल का जो वायर है हम पीछे की तरफ से इसके अंदर डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैं इसके अंदर डाल दे रहा हूँ। फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसे डाल दिया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको USB केबल नहीं मिलता है तो आप किसी भी जो डेटा केबल है इसे कट के लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, लाइट के जो प्लस है उसके साथ हम हमारा जो USB का प्लस है इसे जोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर सोल्डरिंग कर दे रहा हूँ, हमारा जो लाइट के प्लस है उसके साथ प्लस और हमारा जो माइनस है उसके साथ माइनस को। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कर दिया है हमारा प्लस के साथ प्लस और माइनस के साथ माइनस को सोल्डरिंग। तो फ्रेंड्स, हमारा जो वायरिंग है ये कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल सा ही था ये, लगता नहीं किसी को समझ में नहीं आया होगा।
तो फ्रेंड्स शायद समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने इसे बनाया है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर, अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं इसका जो डायग्राम आपको दे दूँगा। तो फ्रेंड्स हमारा जो इंसुलेटर पेपर हमने पहले से कट के रखा था तो कुछ इस तरीके से इसके ऊपर डाल देंगे यानी चढ़ा देंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं फेविकॉल फिर से यूज़ कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर इंस्टेंट ग्लू भी यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हमने हमारा जो हाथों से इसे लिटा दिया है सारे के सारे फेविकॉल को। तो फ्रेंड्स उसके बाद कुछ इस तरीके से ही हम इसे चिपका दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर, तो फ्रेंड्स हमने इसे चिपका दिया है। तो फ्रेंड्स ये चिपकाने भी थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन उतना वक्त हमारे पास तो है नहीं, इसलिए हम यहाँ पर ट्रांसपेरेंट जो टेप आते हैं इसकी मदद से यहाँ पर थोड़ी देर के लिए चिपका रहा हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैं दोनों तरफ से ट्रांसपेरेंट टेप जो है इसे चिपका दिया है। फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारा जो चीज़ है ये लगभग तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स अब हमें छोटा सा काम कर लेना है, ये जो देख सकते हैं कपड़े सुखाने का जो क्लिप होते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसे हम कुछ इस तरीके से इसके ऊपर चिपका देंगे। तो फ्रेंड्स ये क्लिप आप अपने मम्मी से भी पूछ कर ले सकते हो या बिना पूछे भी ले सकते हो, कोई लगता नहीं कोई गाली वाली खाने वाला हो, अगर खाते भी हो तो मुझे क्या यार तुम खाओगे। तो फ्रेंड्स काम ऐसा करोगे तो खाना तो पड़ेगा ही यार। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हमने इसे चिपका दिया है और हमारा जो गैजेट है ये तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये बहुत ही नाजुक सा था, लेकिन अब ये नाजुक सा नहीं रहा है, ये बहुत ही सख्त हो चुका है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर हमने हमारा मोबाइल को ले लिया है, हम इस मोबाइल से इसे चलाने वाले हैं, लेकिन फ्रेंड्स USB तो हमारे मोबाइल के अंदर जाएगा नहीं, इसलिए यहाँ पर मैं एक हमारा जो OTG है इसे डाल दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं सेटिंग्स पे जाकर एडिशनल सेटिंग्स के अंदर जाकर OTG को ऑन कर दूंगा, तब भी हमारा जो फ़ोन का है ये ऑन होगा। लेकिन फ्रेंड्स सैमसंग या किसी भी कंपनी का बहुत सारे कंपनी पे डायरेक्टली डाल दोगे तो ही जल जाएगा, ऐसा सेटिंग्स पे नहीं जाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो लाइट है ये ग्लो कर चुका है, यानी हमारा गैजेट तैयार हो चुका है, अब ये यूज़ करने के लिए एकदम से तैयार है। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ कि कैसे इसे यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको पता है रिंग लाइट हम सिंपली सेल्फी या बैक कैमरा की जगह ही यूज़ कर सकते हैं यानी करते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसके ऊपर डाल देना है, कैमरा को हम बीच में जो होल है इसके अंदर से दिखना चाहिए, वरना हम आपका कैमरा भी आपको नहीं दिखेगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ऑन कर दिया है OTG को और हमारा लाइट जो है ऑन हो रहा है ऑफ हो रहा है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो OTG का कनेक्शन है यही हमारा लाइट का कनेक्शन है, यानी जब भी हम OTG ऑन करते हैं तब भी हमारा जो लाइट है ये ऑन होता है। तो फ्रेंड्स आप चाहो तो इसे बैक कैमरा के साथ भी इसे यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये आपका जो फ्लैश का पावर है ये कहीं गुना ज़्यादा बढ़ा देगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये जलता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये बहुत ही कम का चीज़ है, यहाँ पर मैंने USB का यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर लाइट ऑफ करके आपको दिखा देना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर लाइट ऑफ हो गया है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर OTG को ऑन कर दूंगा, ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारा लाइट जो है ब्राइट हो चुका है। तो फ्रेंड्स इसका जो लाइट है बहुत ही पावर है इसका, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर कितना पावरफुल है ये। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर USB यूज़ किया है, आप चाहो तो इसे सिर्फ मोबाइल के साथ ही नहीं आप इसे इमरजेंसी लाइट के भी तरह यूज़ कर सकते हो, मोबाइल के साथ ही और चार्जर के साथ भी यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर करना।